रात के मारा कुटा पीटा आने फिर रात में बिना के तालाब में फेंका होगे। जाति है कि जाति नहीं, और ये जाति आधारित शोषण है कि खत्म होता ही नहीं। जिला शाजापुर की एक घटना सामने आई। अनुसूचित जाति परिवार के लोगों को जातिवादी गुंडों ने बड़ी बेरहमी से पीटा। पीड़ित गंभीर स्थिति में और फिलहाल हालत बहुत खराब है। इंदौर के एम्बॉय हॉस्पिटल में पीड़ित का इलाज जारी है। इसी दौरान भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी काशीराम सूचना मिलने पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और परिवार का हाल जाना। और आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश महासचिव विनोद यादव अम्बेडकर जी ने परिवार को यह विश्वास दिलाया है कि जातिवादी गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बताया कि इस घटना के मामले में कलेक्टर महोदय व एसपी महोदय से भी निवेदन किया गया है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। इसी दौरान आजाद समाज पार्टी काशीराम प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर संतोष कल्याणी जी और भीम आर्मी इंदौर जिला अध्यक्ष विशाल मुकेश करोसिया जी, आजाद समाज पार्टी काशीराम कार्यकारिणी सदस्य गोविंद खरीवाली जी, भीम आर्मी महू विधानसभा अध्यक्ष सिद्धार्थ गुरु चौहान जी और जीबीटी आवाज न्यूज से श्रेयांश गजबी जी और कई साथी एकत्रित हुए। सम्मान्य साथियों, जय भीम। अभी हम लोग इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में मौजूद हैं और इससे पहले मेरे द्वारा वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर डाले गए थे। पकरावत कला, पकरावत कला गाँव जो जिला शाजापुर में आता है, उस गांव के अनुसूचित जाति वर्ग के एक हमारे भाई को अपर कास्ट के लोगों ने बड़ी बेरहमी से पीटा और अभी वो मौत के साथ जूझ रहा है। अभी भीम आर्मी के अभी हमारे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। माननीय संतोष कल्याणी जी, विशाल करोसिया जी, सुनील चौहान जी, गोविंद खारीवाल जी और उनके परिवारजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, बाकी की जो घटना हुई है वो हमारे जो पीड़ित बंदा है उनके पिताजी अभी हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे। जी बाबू जी, बताओ क्या घटना हुई, थोड़ा और पास में जाओ। सब रात के मारा कुटा पीटा आने फिर रात में पिना के तालाब में फेंका होगे, वो भी उन्होंने फिर चाली घटना। फिर घर आया, घर पटकी गया हम चले गए। कुछ भी नहीं किया, फिर हम चले गए। फिर हम कब देखा उसको, सुबह 10 बजे। फिर 10 बजे से फिर हम गए बड़ोदिया थाना पे, वहाँ ले गया। वहाँ से फिर जाने के बाद में उन्होंने गाड़ी दी हमको, हम शाजापुर गया, शाजापुर से भेजा ना भेजी हमारे ये मोबाइल में। साथियों देखिए, ये अभी दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, लेकिन मैं आपको जो घटना मैंने इनके माध्यम से अभी इनसे बात करने के बाद समझी है, तो घटना ये है कि एक अपर कास्ट जो कि वहाँ का पटेल जिनको कहते हैं, वो लोग थे, उनके साथ में कुछ शराब वराब पी रहे होंगे, लेकिन उसी बीच इनका कुछ विवाद हुआ होगा, क्योंकि अभी वो बंदा भी जो है वो इतने होश में नहीं है कि अपनी बात कह सके। और जो ये लोग बैठे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, उस घटना में उसको इतना बेरहमी से पीटा है कि यहाँ से उसकी पूरी आँख निकाल करके एक तरफ का पूरा जबड़ा जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद में उसको उनके ही परिवार के या कुछ लोग और होंगे, उनने 8-10 लोग उठा करके लेकर के आए और उनके घर में फेंक करके चले गए। इन लोगों को सुबह 11 बजे ये जानकारी लगी कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी घटना हो गई है। ये जा करके फिर थाने पहुँचे, थाने पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। 3 दिन इनको हॉस्पिटल में हुए, एडमिट को हो गए, लेकिन अभी तक थाने से कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया, कोई नहीं आया ना, ठीक है। उसके बाद में 24 घंटे बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ है एमवाई हॉस्पिटल में, जब उनको लाया गया। अभी मेरी इंदौर के माननीय कलेक्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है कि इस बंदे की पूरी अच्छे से इलाज किया जाएगा, और उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी परिवार के इनसे हम मुलाकात की है, इसके बाद हम उस पीड़ित भाई से मिलेंगे जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, अपनी मौत से जूझ रहा है। तो मेरा शासन प्रशासन में बैठे लोगों से, सर आप लोग सब यहाँ पे जमा हुए हैं किस कारण से हुए? देखिए, शाजापुर का एक गांव है बड़ा दिया, उस गाँव में अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के भाई को बहुत बेरहमी से उच्च वर्ग के लोगों ने पीटा और बड़ी गंभीर चोट उसको आई। हालात उसके ऐसे हैं कि वो मौत से अभी लड़ रहा है। अभी एक आँख उसकी ख़त्म हो गई है, हम उसको देख करके आए हैं, अंदर CMO से मिले हैं और संबंधित थाना के TI से भी अभी मुलाकात हुई, वो भी यहाँ पर देखने उनको आए थे। हालात बहुत बदतर हैं, लेकिन फिर भी भीम आर्मी के प्रयासों से अभी उसको आँखों के डॉक्टर के लिए रेफ़र किया है, उसके CT scan के लिए उसको लिखित में दिया है। माननीय जिला कलेक्टर इंदौर से भी बात हुई, उन्होंने डेंटिस्ट को बुलाया, सभी प्रकार के जो डॉक्टर उस केस में मिलने थे वो सभी डॉक्टर देख करके गए हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि वो उसमें उचित कार्रवाई कर उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करने का प्रयास करेंगे। क्या कारण था कि उनको इतनी गहरी चोट आई?
कारण तो अभी पेशेंट जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है कि वो बता पाए कि क्या स्थिति बनी उस समय, लेकिन इतना पता चला है कि कुछ लोगों ने जाति को देख करके उसके ऊपर बहुत बड़ा उत्पीड़न हुआ है, बहुत बेरे में से उसको पीटा है, धारदार हथियार लोहे की रॉड से उसको मारा है और एक तरफ का पूरा जबड़ा उसका ख़त्म हो गया है, आँख पूरी ख़त्म हो गई है उसका, उसका ऊपर की साइड वाले दाँत जो है वो ख़त्म, पूरी नाक उसकी टूट गई है। तो ये मान के चलिए कि उसका जीवन पूरा बर्बाद कर दिया है, जानवर की तरह जो जानवर जैसी हरकत करता है उस प्रकार का उन लोगों ने उनके साथ में व्यवहार किया है। ठीक,